रहमानुरहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माचमी लेक्चर बॉटनी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो इसमें हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। इन टॉपिक्स को आपने बहुत पहले भी क्लासेस के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मज़ीद डिटेल हम इधर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम डिफ्यूजन देखेंगे। हम ये देखेंगे कि डिफ्यूजन प्रोसेस बेसिकली क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन की क्या इंपॉर्टेंस है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द इम्बाइबेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइबेशन, देन ऑस्मोसिस और फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑस्मोसिस। और इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल रोल क्या है ऑस्मोसिस का। तो इन तमाम चीज़ों को, वाटर रिलेशन वगैरह, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन क्या है, बार बार पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है, लेकिन बीच में किसी हर्डल का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब किसी दरमियान में किसी मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। एक खुले कमरे में डिफ्यूजन हो सकती है, एक खुले बर्तन में डिफ्यूजन हो सकती है। जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डिफ्यूजन कंटिन्यू टिल डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव। डिफ्यूजन उस वक्त तक होती जाती है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं स्टेब्लिश हो जाता। इट फॉलो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बट इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। कितनी तेज़ी के साथ डिफ्यूजन होगी ये कंसंट्रेशन के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस उतना ही तेज़ होगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, और ये दूसरे सब्सटेंसेस की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं कर रही होती। एग्जाम्पल आपको क्या दी हुई है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन इन लीफ। दिस कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट इन द इंट्रासेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेसेस इनटू द आउटर एयर बट ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द रिवर्स डायरेक्शन। ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ डिफ्यूज करती है पत्तों के सेल्स की तरफ, और जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउटसाइड पे डिफ्यूज करती है। इसके अलावा कहते हैं पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वोलेटाइल लिक्विड। काम्फोर एंड नेफ्थलीन बॉल्स आर वोलेटाइल सॉलिड, दे डिफ्यूज इन द सेम वे, देयर ऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम सम डिस्टेंस में। यानी आप कहीं पर काम्फोर रख दो, कहीं पर पेट्रोल रख दो और उसका ढक्कन खुला छोड़ दो, आप देखेंगे पूरे रूम के अंदर उसकी स्मेल होना शुरू हो जाएगी। तो ये किस तरह हुई डिफ्यूजन के प्रोसेस से हुई। इसके अलावा वो कहते हैं जी कॉपर सल्फेट के एक क्रिस्टल को आप पानी के अंदर डाल दें, उस आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि पहले उस जगह के ऊपर क्रिस्टल जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर जो कलर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो स्लो जो है वो कॉपर सल्फेट पानी के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, और वो फिर पूरे का पूरा पानी जो है एक जैसे कलर का हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन, केमिकल पोटेंशियल डेंसिटी और डिफ्यूजन प्रेशर, ये तीन चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की हैं जो डिफ्यूजन को इफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हम केमिकल पोटेंशियल की बात करते हैं। ऑल द थ्री स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये अंडरस्टूड बात है। दीज मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर अबव -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर में इनमें इनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ता जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। ग्रेटर द डेंसिटी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द केमिकल पोटेंशियल, यानी जितनी केमिकल एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी है वो उसका केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, दे कोलाइड विद वन अनदर, दस मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ट्राई टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन और हाई काइनेटिक एनर्जी टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन और लो काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा फिर केमिकल पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। दस डिफ्यूजन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द केमिकल पोटेंशियल। टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट द केमिकल पोटेंशियल, देयरफॉर दे ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। टेम्परेचर बढ़ता है केमिकल पोटेंशियल बढ़ता है, केमिकल पोटेंशियल बढ़ता है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है, बट अप टू अ सर्टन लिमिट। डेंसिटी के लिए वो क्या कहते हैं, द डेंसिटी ऑफ अ डिफ्यूजन मीडियम ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द मॉलिक्यूल ऑफ डिफ्यूजन मीडियम प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू द डिफ्यूजन पार्टिकल्स, यानी जो मीडियम है जिसके अंदर डिफ्यूजन पार्टिकल्स मौजूद हैं वो मीडियम जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मीडियम की वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा, तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन शुगर मॉलिक्यूल इन वाटर, शुगर डिजॉल्व रैपिडली इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम लेस डेंस एट हाई टेम्परेचर, यानी क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाती है तो शुगर के मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ उसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं।
the water molecules become less dense at high temperature, therefore its resistance to the diffusing sugar molecule decrease. Thus the sugar molecules can diffuse through water with greater velocity. The density of a substance depends upon its molecular weight. अच्छा, अब डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड कर रही है. और दूसरी दो चीज़ों पर डेंसिटी डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस पे. द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर इन गैसेज. अब गैसेज में डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी कम है, और सॉलिड के अंदर डिस्टेंस कम है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो गई. इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है, गैसेज में डिफ्यूजन का प्रोसेस तेज़ होता है. ग्राहम्स लॉ, ये आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है. इट स्टेट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी. मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. जितनी कम डेंसिटी होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा. नीचे उन्होंने केमिकल इक्वेशन भी आपको दी हुई है, जहाँ पे R1 जो है रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड D1 D2 जो है वो डेंसिटी है. डिफ्यूजन प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई डिफ्यूजिंग पार्टिकल इज नॉन एज द डिफ्यूजन प्रेशर. जब पार्टिकल्स डिफ्यूज कर रहे हैं, तो जब वो किसी कंटेनर के अंदर हैं, तो जब कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, दैट इज नॉन एज द डिफ्यूजन प्रेशर. दिस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ और द नंबर ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल. ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल इन सिस्टम, द ग्रेटर इज देयर डिफ्यूजन प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल इज द हायर नियर द डिजॉल्विंग क्रिस्टल. या एक अभी पहले भी हमने बात की कि जब आप कॉपर सल्फेट को डालोगे पानी के अंदर, तो जहाँ पर वो क्रिस्टल्स होंगे वहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो डिफ्यूजन प्रेशर भी वहाँ पर ज़्यादा होगा. बट इट इज़ द लोएस्ट इन द अदर रीजन, देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ देयर ग्रेटर डिफ्यूजन प्रेशर टू द रीजन ऑफ लेसर डिफ्यूजन प्रेशर. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिफ्यूजन पर को इफेक्ट कर रहे थे. नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स. तो इंपॉर्टेंस क्या है? प्लांट ट्रांसफर फूड पार्टिकल फ्रॉम फ्लोएम एंड वाटर पार्टिकल फ्रॉम जाइलम थ्रू डिफ्यूजन. दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन. दिस डिफ्यूजन अकर्स थ्रू स्टोमेटा एंड मेसोफिल सेल्स. फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्लूड डिफ्यूजन इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. दिस वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूट टू द लीफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. फंजाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन के जरिए ही चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और मूव करवाया जा रहा है. नेक्स्ट वी हैव इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन क्या? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच एन इम्बाइबेंट एब्जॉर्ब वाटर ऑन इट्स सर्फेस विदाउट डिजॉल्विंग इन इट इज नॉन एज इम्बाइबेशन. यानी कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट, बेसिकली इम्बाइबेशन जो है वो प्लांट्स कर रहे हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट अपने किसी पार्टिकल को पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं करता, बल्कि पानी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है. यानी समझ लें पानी को चूस लेना, जैसे लकड़ी पानी को चूस लेती है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इम्बाइबेशन. अगर आप लकड़ी को पानी के अंदर रखें तो पानी उसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जैसे लकड़ी फूल जाएगी, ये इम्बाइबेशन है. तो यहाँ पर लकड़ी इम्बाइबेंट है. वाटर मूवमेंट इज along a concentration gradient in imbibition, therefore imbibition is a special type of diffusion. In imbibition, water is absorbed by the solid colloids. It causes an enormous increase in volume. Water potential gradient between absorbent and liquid imbibed is essential for imbibition. हाँ, imbibition के लिए जो है water potential का difference होना बड़ा ज़रूरी है. Imbibition occurs when a wetting fluid displaces a non-wetting fluid. तो क्या है कि जब आप वेटिंग फ्लूड को नॉन वेटिंग फ्लूड के पास रखते हो तो इम्बाइबेशन का प्रोसेस हो जाता है. इम्बाइबेंट, जिसको आप एड्सॉर्बेंट भी कहते हो, या जो चीज़ इम्बाइब कर रही है, इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक सरफेस लाइक प्रोटीन, स्टार्च और क्ले. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इम्बाइबिंग कैपेसिटीज. प्रोटीन हैव अ वेरी हाई इम्बाइबिंग कैपेसिटी देन स्टार्च एंड सेलुलोज. देयरफॉर प्रोटीनिशियस पी सीड्स स्वेल मोर ऑन इम्बाइबेशन देन स्टार्ची वीट सीड. तो पी सीड के अंदर इम्बाइबेशन वीट के निस्पत ज़्यादा है. द फोर्स जनरेटेड बाय द इम्बाइबेंट इज कॉल्ड द इम्बाइबेशन प्रेशर और मैट्रिक पोटेंशियल. यानी जो चीज़ उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद उनकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज नॉन एज मैट्रिक पोटेंशियल या इम्बाइबेशन प्रेशर. द मैट्रिक पोटेंशियल इज सिमिलर टू सॉल्यूट पोटेंशियल. द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू वन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोफिलिक सरफेस. हम कहते हैं ना इम्बाइबेशन है, पानी जज्ब होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एड्सॉर्प्शन कराने में हेल्प आउट कर रही है. इंपॉर्टेंस क्या है इम्बाइबेशन की? ड्राई प्लांट मटीरियल लाइक ड्राई वुड इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स स्वेल एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. ड्राई पी सीड्स आर प्लेस इन वाटर, दीज ऑल्सो स्वेल, इट हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड. उससे क्या होता है, वो स्वेल कर जाते हैं, उनका जो टेस्ट है वो फट जाता है और उसमें से प्लोम्यूल निकल आता है.
If the imbibent is dried and then put in water, it can develop a high pressure. This pressure imbibe water, for example, imbibition occur in the wooden door or window frame during the humid weather or rainy season. It become difficult to close door after the imbibition. अच्छा एक और बात, significance का मतलब ये नहीं होता कि ऐसी अहमियत जो हर हाल में फ़ायदा दे. Significance का मतलब होता है ऐसी अहमियत जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती है. तो जैसे अब हम ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जी वुडन डोर्स हैं, लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो इम्बाइब कर जाते हैं तो बंद नहीं हो रहे, तो भैया तो अहमियत ना हो, ये भी अहमियत है, यानी हमारी ज़िंदगी में अफेक्ट कर रही है. इम्बाइबेशन ऑल्सो मेनटेन जेनेटिक क्लॉक दैट कंट्रोल्स सर्केडियन रिदम्स इन अरेबिडोप्सिस थेलियाना एंड अदर प्लांट्स. द ग्राफ्टेड टिश्यू ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू गेट वाटर थ्रू इम्बाइबेशन. इम्बाइबेशन हैज़ ऑल्सो रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट एट इनिशियल स्टेजेस. तो इस तरह से इम्बाइबेशन जो है वो अफेक्ट कर रही है. ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब डिफ्यूजन में इम्बाइबेशन में क्या, ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है? डिफ्यूजन में भी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. यहाँ पर दो चीज़ें डिफरेंट हैं. यहाँ पर ऑस्मोसिस में एक तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन, और दूसरी चीज़ क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है मूव कर रहे होते हैं. अब वो कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यानी उन्होंने ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट किया एक प्रैक्टिकल के थ्रू. अ थिसल फनल इज़ फिल्ड विद अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज. इट माउथ इज़ क्लोज विद अ रबर मेम्ब्रेन. द थिसल फनल इज़ इन्वर्ट इन बीकर कंटेनिंग वाटर. द माउथ ऑफ द थिसल फनल डिप अंडर द वाटर. द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इज मार्क्ड. अगेन नोट डाउन द लेवल ऑफ द शुगर सोल्यूशन. After about 24 hours, it is observed that the level of sugar solution in the thistle funnel moved downward. It showed the osmosis occurred through the semi-permeable membrane. After some time, the concentration of sugar molecules and water molecule will be same both in the beaker and the thistle funnel. Therefore, the osmosis will stop. क्या हुआ? ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं. इन्होंने एक फनल ली, थिसल फनल ली, उसको रबर बैंड्स यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया. ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें इन्होंने शुगर सॉल्यूशन डाला. ये वाटर सॉल्यूशन बीकर में इन्होंने डिप करके रख दिया. 24 घंटे के बाद देखा ये लेवल नीचे हो जाएगा. इसका मतलब है शुगर के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव कर गए फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन. फिर हम देखेंगे दोनों में जो इधर पानी का वॉल्यूम और इधर शुगर का वॉल्यूम सेम हो गया. तो जैसे ये वॉल्यूम सेम हो जाएगा, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा. अब हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑस्मोसिस. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऑस्मोसिस को अफेक्ट कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, टर्गर प्रेशर. तीन फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोसिस को अफेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की. द मैक्सिमम प्रेशर दैट डेवलप व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट इज बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नाम भी दे सकते हैं, यानी वो प्रेशर जिसमें आपने सॉल्यूशन को उसके सॉल्वेंट से सेपरेट आउट किया हुआ है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए. डिफ्यूजन प्रेशर, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इज मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. देयरफॉर ऑस्मोसिस अकर फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू द लो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. द डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. यानी कि जो डिफरेंट प्रेशर डिफ्यूज करने की जो स्पीड है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन करने की स्पीड डिफरेंट प्रेशर कहलाती है. टर्गर प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सेल सैप ऑन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर. इट अपोजेज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. टर्गर प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने की कोशिश करता है. तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है, जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं, इट इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड माइनस टर्गर प्रेशर. मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता कैसे है. ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये अंडरस्टूड बात है. इट इज़ मूवमेंट टूवर्ड अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट. यानी सॉल्वेंट, हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट की मूवमेंट है. तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट की तरफ मूव करता है. इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स सॉल्वेंट इज टिपिकली वाटर, बट ऑस्मोसिस कैन अकर इन अदर लिक्विड्स एंड इवन गैसेज. लेट वी सबमर्ज अ सेल इन वाटर. द वाटर मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ सेल इज सबमर्ज इन सॉल्ट वाटर, वाटर मॉलिक्यूल मूव आउट ऑफ द सेल, क्योंकि बाहर सॉल्यूट जाता है. अगर आपने फ्रेश वाटर में डाला है तो वाटर मूव इन टू द सेल. इन सम केसेज मेम्ब्रेन हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पर आपके पास ऑस्मोसिस का प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ हो रहा होगा और हमें लगेगा कि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही. ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है ऑस्मोसिस का?
तो वो कहते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं देर आर टू मैकेनिज्म वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग ऑस्मोसिस, डायल्यूशन ऑफ वाटर बाय सॉल्यूट एंड अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर वाटर. पहला कॉन्सेप्ट क्या था, डायल्यूशन ऑफ वाटर बाय सॉल्यूट. दस देयर इज लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर ऑन हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन साइड ऑफ वाटर, देयर फॉर डिफ्यूजन ऑफ वाटर अलॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल कहते हैं कि इट कॉजेज लेस फ्री वाटर ऑन द हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन, देयर फॉर द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टूवर्ड द सॉल्यूट. ये मतलब एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था. न्यू कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या ऑस्मोसिस का, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट ऑस्मोसिस अनलाइक डिफ्यूजन रिक्वायर अ फोर्स. डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसको फोर्स नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस को फोर्स चाहिए. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मेन सपोर्ट फॉर ऑस्मोसिस इन मैनी प्लांट्स. द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ द वाटर रेजेज द टर्गर प्रेशर. जैसे ऑस्मोसिस होती है टर्गर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. टर्गर प्रेशर इज एक्सर्टेड अगेंस्ट द सेल वॉल, वाटर कॉन्टिन्यूस टू एंटर अंडर द अनटिल टर्गर प्रेशर बिकम इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जैसे टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है ये रुक जाता है. फिर हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फ्लिसिड सेल. ये क्या है, वी प्लेस अ प्लांट सेल इन सोल्यूशन दैट इज़ हाइपरटॉनिक रिलेटिव टू द साइटोप्लाज्म. यानी आपने प्लांट सेल को ऐसे जगह पे रखा जिसमें उस ऐसे सॉल्यूशन में रखा जो सॉल्यूशन उसके साइटोप्लाज्म की निस्बत हाइपरटॉनिक है, यानी उस सॉल्यूशन में सॉल्ट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो पानी सेल से बाहर निकलेगा, सेल श्रिंक कर जाएगा और ये फ्लेसिड हो जाएगा. अगर आप इसको एक्सट्रीम केसेस में, वो कहते हैं कि सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड, द सेल मेम्ब्रेन डिस इंगेजेस विद द सेल वॉल ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर. फिर मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होते हैं, बिल्कुल पानी निकल गया, बिल्कुल श्रिंक कर गया. अगर आप प्लांट सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखो जो हाइपोटोनिक हो साइटोप्लाज्म के निस्बत, तो प्लांट सेल जो है वो टर्जिड कर जाएगा. बायोलॉजिकल रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, अ लार्ज वॉल्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज बाउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ वॉल्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो और हमें पता है कि वॉल्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल. ऑस्मोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी ऑफ प्लांट रूट टू ड्रा वाटर फ्रॉम द सॉइल. Plant concentrate solute in their root cells by active transport. Now water enter the root by osmosis. Root pressure is caused by the process of osmosis of water and minerals into the root. It is responsible for ascent of sap in many. यानी ये तमाम इसकी importance है. इसके अलावा guard cells की जो movement है, it is responsible for by the process of osmosis. Osmosis जो है वो root जो food preserve करने में भी help out करती है. जैसे jam jellies को हम जो है वो preserve कर सकते हैं. Osmosis is a colligative property of solution. This property depends upon concentration of solvent. Therefore, osmosis is used to determine concentration and molecular weight of solute. Reverse osmosis process is used in the water filtration plant. तो ये थे हमारे पास दो तीन terminologies. यहाँ पर आपको osmosis और diffusion में difference दिया हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं. Next इंशाल्लाह हम water relation को study करेंगे. यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे discuss कर सकते हैं. Best of luck. अल्लाह हाफिज़.